हेलो दोस्तों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में परसेंटेज स्टार्ट किया था और उसमें बेसिक चीज़ सारा कुछ मैंने बताया है। तो जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद से ये समझिएगा। ओके, तो प्रतिशत ये किनके किनके लिए उपयोगी है मैंने बता रहा हूँ। जैसे कि अब अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और सारे भी एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट जॉब के होते हैं उस सारे में प्रतिशत का क्वेश्चन पूछा जाता है। SSC+2 हो गया, CGL एंड रेलवे, NTPC, बैंक, CTET, DSSB, ये सारे सारे जितने भी स्टेट पुलिस के जितने भी निकलते हैं, दरोगा वगैरह का जितने का भी वैकेंसी निकलता है, सबके लिए उपयोगी है। तो आप लोग आराम से वीडियो देखिए और पढ़िए और अपना प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए। तो चलिए, ये पहला तो ट्रिक्स मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में ही। ये दूसरा ट्रिक्स आप लोगों के सामने है कि किसी भी राशि को पहले X% बढ़ाया जाए, फिर Y% घटाया जाए, तो कुल बढ़ोतरी या तो कह रहा है कि कुल बढ़ोतरी या कमी कैसे क्या होगा। ठीक है, जब X% बढ़ाया जाता है और Y% घटाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी या कमी बताइए। तो देखिए क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है ट्रिक्स मैंने, कि X-Y -XY/100%। देखिए -Y कब होगा, Y जब घटाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको करते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन पहला है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 15% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 20% की कमी होती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में अगर 15% की बढ़ोतरी कर दिया जाता है, तो 20 उसकी बिक्री में कितना परसेंट की कमी आ जाती है, 20% की कमी आ जाती है। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो जो भी जो वस्तु को बेच रहा है उसके आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हो जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं, हम लोग ट्रिक से सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कमी बढ़ोतरी या कमी निकालेंगे, अगर प्लस में आ गया आंसर तब तो बढ़ोतरी होगा, अगर माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा उसका, ठीक है ना, कमी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ोतरी या कमी निकालते हैं, बढ़ोतरी या कमी, लाभ या हानि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, कमी परसेंटेज निकालना है मुझे। तो क्या होता है फॉर्मूला, X-Y -XY/100/100 हो गया और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 15% की बढ़ोतरी किया गया था, 15 -20 -15×20/100%। यहाँ पे देखिए 15 में से -20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, -5, क्योंकि -20 बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। माइनस ये 10 से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -15×30, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा का -3, यानी कितना हो गया, -3 और -5 दोनों अगर साइन सेम होता है तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है दोनों में, माइनस का, था -8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, -8%, माइनस जैसे ही लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कमी हो गया। कमी आ गया, कितना का कमी आ गया भाई, -8, 8% की क्या हो गया, वो कमी आ गया। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, एक दुकानदार अपने किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर देता है, तो वस्तु के बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, दुकानदार की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताए। सेम है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत लोग आप लोग कर लिए होंगे एकदम तुरंत, तो बहुत ईजी है। बढ़ोतरी या कमी निकाल देते हैं, यहाँ पे हम इक्वल टू लिख देते हैं, क्या होता है X-Y
माइनस एक्स वाई बाई 100%। ओके, तो जल्दी जल्दी पुट कर दीजिए आप लोग। 10% की कमी किया है तो 20% की बढ़ोतरी हो गया है, तो 10% की कमी में है, 10% की कमी क्या हो जाता है, वाई वाई परसेंट के कमी हो रहा है ना, तो बढ़ोतरी कितना हुआ है 20% का। 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणा 10 बट्टे में 100%। 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा माइनस, 0 से 0 कैंसिल करिए, ठीक है 2 बन जा 2%। यानी कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8%। यहाँ पर देखिए प्लस में आ गया तो क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हुआ है, क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ओके, तो ये आप लोग का आंसर हो गया। ओके, देखिए कितना इजी में बन गया। तो बस आप लोग को ट्रिक्स याद रखना है, बस ट्रिक्स याद रखिए और आप लोग क्वेश्चन को करिए बहुत इजी वे में। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग को लिख क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नया ट्रिक्स आ गया है आप लोग के लिए, नया ट्रिक्स, नया क्वेश्चन और नई कहानी। तो देखिए यहाँ पे, जब किसी राशि को एक्स परसेंट बढ़ाया जाए फिर एक्स परसेंट घटा दिया जाता है, ठीक है ना, शुरू के राशि से 10% की एक्स स्क्वायर बाई 100% की क्या हो जाती है, कमी होगी। देखिए कभी भी अगर किसी भी राशि किसी भी मूल्य में अगर एक्स परसेंट बढ़ाया जाता है, सेम बढ़ाया जाता है और सेम घटाया जाता है, तो कभी भी आपको क्या हो जाएगा, कमी मिलेगी। क्या मिलेगी, हर दम आपको कमी ही मिलेगी, घटा ही होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्रिक से, और यहाँ पे क्वेश्चन एक लिया गया है, आप लोग देख लिए कि जब एक कार कंपनी, ये कार है, जब एक कार कंपनी कार की कीमत को 20% घटाती है, कितना घटा रही है, कार की कीमत को 20% घटाती है तो कार की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला से। सबसे पहले तो ये कमी ही होगा, तो चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर बाई 100%, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्या करता है, 20% बढ़ाता है और 20% घटा देता है, तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 100, यानी कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी कितना हो गया, 4% की कमी हो जाएगी। ओके, मैंने क्या बोला था, हर दम कमी ही होगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 4% की कमी आ गई दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए प्रश्न संख्या 4 है कि एक बड़े कपड़े के दुकानदार ने अपने सामानों पर 25% की कमी करता है तो सामान के बिक्री में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो दुकानदार के मुनाफे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जान गए हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कभी भी क्या होती है, कमी मिलता है, मुनाफा तो होता नहीं है। अगर इस टाइप का आता है कि जितना परसेंट हम कमी करें उतना परसेंट की बढ़ोतरी होता है, तो दुकानदार को क्या होता है, कभी भी मुनाफा नहीं होगा, ठीक है ना, कमी ही आएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं और आप लोग करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो चलिए ट्रिक क्या था भाई, एक्स स्क्वायर बाई 100%, तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बाई 100%, यानी कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 बटा 100%, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा, 25/4%। ओके, इतना के क्या हो जाएगा, उसको कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए ट्रिक्स अगर आप लोग को याद है, अगर क्वेश्चन आता है कि जितना बढ़ाता है उतना ही कमी होता है या जितना कमी करता है उतने ही परसेंट की बढ़ोतरी होती है, तो कभी भी दुकानदार को क्या हो जाएगा, कमी ही होगी, अभीष्ट कमी हो जाएगी, ठीक है ना।
तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है, अच्छा लगा हो वीडियो। और मैट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आप लोग, मेरा पहले से भी वीडियो है अपने चैनल पे जो कि बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया गया है, तो आप लोग देखिए और अपना प्रिपरेशन को सही करिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, SSC+2, CGL, बैंक, DSSB, CTET, कोई भी स्टेट पुलिस हो या दरोगा या किसी चीज़ का भी है पेपर, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक बात और आप लोगों से कहनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग प्लीज़ आप लोग करिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और चैनल को आगे बढ़ने में आप लोग मदद कीजिए, और लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग अपना वीडियो देख करके प्रिपरेशन सही करें। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ओके चलिए, ओके थैंक यू सो मच दोस्तों।